हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू. टुडे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर बेटा, दैट इज़ एक्टिविटी 6.7. हम कल बेटा जिस तरह केमिकल चेंजेस पढ़ रहे थे, तो उसी की सीरीज़ में एक और एग्जांपल आपको गिवन है. इसमें क्या किया है, दो बीकर लेने हैं. एक में आपको क्या लेना है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है. एक ही बीकर लेना है और उसके अंदर आपको क्या डाल देना है, आयरन नेल डाल देना है. तो जो कॉपर सल्फेट होता है बेटा, उसका कलर ब्लू कलर का होता है. जैसे ही आप उसके अंदर शेविंग ब्लेड डाल देते हैं, धीरे धीरे उसका कलर जो है वो कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है. तो इससे क्या हुआ, क्यों हुआ ये, क्योंकि इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन हुई बेटा. कौन सी केमिकल रिएक्शन हुई, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद आयरन टू फॉर्म आयरन सल्फेट, जो कि ग्रीन कलर का हो गया. अब ये रिएक्ट करके जो इसने कलर बना लिया है ग्रीन, वो किसकी वजह से हुआ, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन की वजह से. और कॉपर जो है वो ब्राउन डिपॉजिट, यानी कॉपर का आप देखोगे वो ब्लेड कैसा हो जाएगा, ब्राउन कलर का वो अलग हो जाएगा. ओके, ब्राउन कलर के डिपॉजिट्स हो जाएंगे. उसके बाद जो है वो आपको अगेन फिर ऐसा ही एग्जांपल दे रखा है. उसमें आपको क्या कहा गया है कि आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें आपको विनेगर डालना है और फिर उसके अंदर आपको बेकिंग सोडा डाल देना है. तो उसके अंदर से हिसिंग की साउंड आएगी और बबल्स आपको दिखाई देंगे. तो वो बबल्स किसकी वजह से हैं, क्योंकि वहाँ से जो है वो गैस निकल रही है. एक्चुअली में क्या रिएक्शन हुई, विनेगर डालते ही, विनेगर और एसिड बेकिंग सोडा को जब मिक्स किया जाता है बेटा, तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर सब्सटेंस. बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम होता है बेटा, वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ये आपको लर्न होना चाहिए. ओके, उसके बाद अगेन आपको जो है वो एक एक्टिविटी दिखाई गई है बेटा. इस एक्टिविटी में आपको क्या बोला गया है, आपको क्या लेना है, विनेगर प्लस बेकिंग सोडा. और जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही थी, अभी हमने जो लास्ट एक्टिविटी करी है बेटा, उसमें हमने क्या करना है, इस तरह से एक पाइप ज्वाइन कर देनी है और उसको दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देना है. और उस टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, उस टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर होता है. तो जैसे ही इसके अंदर से लाइम वाटर जाएगा, लाइम वाटर के अंदर से ये गैस के बबल्स आपको दिखाई देंगे, तो ये सारा का सारा जो है कैसे कलर का हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा बेटा. तो इससे क्या पता चलता है, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, व्हेन इट इज़ पास्ड थ्रू लाइम वाटर, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की. यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर, लाइम वाटर का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल्ड वाइज. तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज CaCO3 प्लस वाटर. ओके, देन बेटा अगेन आपके पास फिर ये जो सारे चेंजेस हमने पढ़े हैं एक्टिविटीज़ के अंदर, ये ऐसे चेंजेस हैं जिसके अंदर कोई ना कोई नया सब्सटेंस बना है. तो ऐसा चेंज जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन होकर कोई नया सब्सटेंस बन रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शंस. देखो, कोई भी केमिकल चेंज हुआ है बेटा, वो हमें कैसे पता लगाया जा सकता है, वो इन सारी प्रॉपर्टीज़ की वजह से जो है वो पता लगाया जा सकता है. उसके अंदर हीट या लाइट एब्जॉर्ब होती है या निकलती है, साउंड प्रोड्यूस हो सकती है, कलर में चेंज हो सकता है, स्मेल में चेंज हो सकता है, गैस बन सकती है. तो ये सारे के सारे चेंजेस कब होंगे, व्हेन देयर इज़ अ केमिकल चेंज, जब केमिकल चेंज होगा. ओके, जैसे बर्निंग है, बर्निंग में हमेशा हीट निकलती है. तो कोई भी चीज़ बर्न हो रही होती है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है बेटा, वो एक केमिकल चेंज होता है. एक्सप्लोजन हो रहा होता है, दैट इज़ ऑल्सो केमिकल चेंज. हमारा फूड ख़राब हो जाता है तो दैट इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज. क्यों, क्योंकि जो उसके ऊपर माइक्रोब्स ग्रो करके उसको दूसरे किसी कंपाउंड के अंदर चेंज कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए क्या होते हैं बेटा, हार्मफुल हो सकते हैं. ओके, उसके बाद आता है वेरी इंपॉर्टेंट, रस्टिंग ऑफ आयरन. आपने देखा होगा घर पे जो भी हमारे आयरन की चीज़ें होती हैं उनके ऊपर रस्ट लग जाता है. रस्ट लगने का मतलब जर लग जाता है उसके ऊपर. तो वो एक्चुअली में क्या रिएक्शन क्या होता है बेटा, जो आयरन होता है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर वेपर्स और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, रस्ट बना देता है. तो उसके लिए क्या रिएक्शन हो जाएगी, आयरन प्लस ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर और वाटर फ्रॉम द एयर फॉर्म रस्ट. रस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, Fe2O3. ओके, ये आपको लर्न होनी चाहिए अच्छे से. तो रस्टिंग के लिए क्या कंडीशंस नेसेसरी हो गई, ऑक्सीजन प्लस वाटर वेपर्स. यानी अगर आयरन पे जर लगता है तो उसके लिए दो कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो एटमोसफेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है या फिर जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट है.
ठीक है, तो उसको कम भी किया जा सकता है। कैसे? रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए हम क्या करते हैं, अपने कूलर को पेंट कर देते हैं, उस पर ग्रीस लगा देते हैं, ठीक है। तो ये कोट्स क्या कर देते हैं, जो हमने पेंट का कोट कर दिया, ग्रीस का कोट कर दिया, ये एटमोसफेयरिक ऑक्सीजन को और कार्बन ऑक्सीजन को और वाटर वेपर्स को जो है वो उसके टच में आने से रोक देता है बेटा, जिसकी वजह से उस पर जर नहीं लगता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। ऐसा ही एक प्रोसेस है गैल्वेनाइजेशन। हम क्या करते हैं, आयरन के ऊपर जिंक की एक पतली सी लेयर चढ़ा देते हैं बेटा, ताकि जो आयरन का सिरा है, आयरन है, वो एटमॉस्फेरिक एयर और वाटर के साथ जो है वो ना आए टच में। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज गैल्वेनाइजेशन। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है बेटा, इसके अलावा और किया जा सकता है कि एलॉयज़ बनाए जाते हैं। एलॉयज़ क्या होते हैं, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स कर दिया जाता है, ताकि उसके अंदर जो है वो किसी भी तरह का क्या ना हो, प्रॉपर्टी जर ना लगे उसके ऊपर, उसको जर से बचाने के लिए। तो जो एलॉयज़ होते हैं, एलॉयज़ बेसिकली रस्ट फ्री होते हैं। दैट इज़, नेक्स्ट इज़ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि क्रिस्टल्स का बनाना। अगर आपने किसी लिक्विड में कोई सॉलिड जो है वो डिजोल्व कर दिया है, तो उसके फिर से क्रिस्टल्स बनाना, प्योर फॉर्म में बनाना, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कि सॉल्ट को जो है वो बनाया जा सकता है, सॉल्ट अगर आपने पानी में डाला हुआ है, मिक्स किया हुआ है, तो उसमें से फिर से सॉल्ट बनाया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, तो किसी भी चीज़ की जब हम प्योर फॉर्म निकालते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। प्योर क्रिस्टल्स जो हैं वो उस चीज़ के हमें क्या हो जाते हैं, ऑब्टेंड हो जाते हैं। जैसे कि आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया गया है, आपको क्या लेना है, वाटर लेना है बीकर के अंदर, और उसके अंदर आपको क्या डालना है, सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद उसको हीट करना है, जब वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, तो उसके अंदर आपको कॉपर सल्फेट का पाउडर डाल देना है। तो धीरे धीरे जब आप उसको घुमाते रहेंगे, तो कॉपर सल्फेट उसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर उसको फिल्टर कर देना है और ठंडा कर लेना है, और उसको हम नहीं छेड़ेंगे। फिर आफ्टर सम टाइम क्या होगा, जो कॉपर सल्फेट है उसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स देखो इस तरह से जो है वो सॉल्यूशन के अंदर आपको दिखाई देंगे। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ आपका चैप्टर जो है बेटा वो कंप्लीट हो जाता है। आपका होमवर्क है आज का कि आपको बैक एक्सरसाइज करके मुझे भेजनी है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।